ये कमाना चाहते हैं सर। चलो आज की क्लास इतनी बड़ी होगी। क्यों सर? क्वेश्चन नहीं तो क्यों सर? क्या वो हीटिंग पे पढ़ाऊंगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल उसका एग्जांपल बताऊंगा बहुत भयानक वाला, और 3 ठो ही क्वेश्चन है। तुमको पता लगता है 3 सवाल बताने में कई मिनट लगते हैं? 3 मिनट। 3 मिनट में क्वेश्चन लगेंगे, 3 मिनट में एक कंसेप्ट आ जाएगी, और 3 मिनट में एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे। 3, 3, 6 और 3, 9, ज़्यादा 15 मिनट की क्लास बनेगी। चलो आओ, उसी में लंबा खींचूंगा तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम टेबल, तुम्हारा टाइम ख़राब करूंगा तो हो गया, आधा घंटा कर दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कल के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीबीएसई 2016 है। 2 सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैलकुलेट द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल। लीजिए भैया, कह रहा है 2 सेल हैं, एक 1.5 वोल्ट का है, EMF है उसका, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पहले वाले सेल का 0.2 ओम है। पॉइंट कनेक्टेड है पैरेलल में, जो दूसरा सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 है और उसका टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट है। पैरेलल की कनेक्टिविटी का मतलब है इसका पॉजिटिव इससे, इसका नेगेटिव इससे। सही सही मैं बात करूं तो ये हैवी बैटरी है, लो बैटरी है, तो ये चार्जिंग का स्टेटस है, लेकिन पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, ऐसे मैंने हमेशा बताया है। तो जो ये बैटरी क्योंकि चार्ज इसको दे रही होगी तो इसका टर्मिनल E-IR होगा। लेकिन एक बात प्रमाणित होनी चाहिए कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। हाँ, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। तो ये बैटरी करंट दे रही है तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल E-IR, और इस वाली बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल, लेकिन उसका E-IR और इसका E+IR बराबर आना चाहिए। नहीं आया तो दोस्त आत्मदाह कर लूँगा यहीं। क्यों बर्बाद हो जाएंगे? कंसेप्ट नहीं गलत हो जाएगी, कंसेप्ट एक्यूरेट हो। तो बताओ भैया, सबसे पहले तो एक सर्किट की तरह है, इसका इफेक्टिव वोल्टेज 0.5 है या 3.5 है? 0.5, क्योंकि प्लस माइनस घूम के आया, माइनस प्लस। इफेक्टिव वोल्टेज 0.5 है इज इक्वल टू IR। I का भी तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन दोनों की सीरीज लगी है तो दिस इज द 0.5। कितनी करंट इसकी रगों में दौड़ रही है? 1 एम्पियर। पक्का है? बस करंट भर पचाइए था, अभी अभी दोनों का टर्मिनल निकालता। इसका E कितना है? 2। I कितना है? 1। इसका स्मॉल R कितना है? 0.3। व्हाट इज दिस? 1.7। इसका टर्म, क्योंकि देखिए इससे ये चार्ज होगी तभी पैरेलल में लगी है, लेकिन इसका टर्मिनल पोटेंशियल E के लिए 1.5 है, इसका I तो वही 1 एम्पियर है। इसका देखिए, मैंने गलत तो नहीं बोला था? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इस सर्किट का इफेक्टिव या कंक्लूजन वाला वोल्टेज जो था वो 1.7 था, और इस सर्किट में जो दौड़ने वाली करंट थी वो 1 एम्पियर थी। हो गया क्या? 3rd नंबर क्वेश्चन जी। और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछा है। इफेक्टिव क्योंकि बोथ आर इन पैरेलल, सो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों की पैरेललिटी है तो 0.06 मल्टीप्लाई अपान दोनों का सम 0.5। इसका जीरो उड़ा करके, इनकी कहानी को आगे बढ़ा करके, इनको इससे डिवाइड करके बता दें कितना है। 0.012 की 0.12 0.12 होगा। बस ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज से। लग गया क्या? इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर पूछा गया 5। 7 सवाल थे, 3 तो पूछ लिए गए, मतलब 4 ही लगाए, और कुछ लोगों ने तो कुछ भी नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट 1.5 एम्पियर थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। गिवन द EMF ऑफ ईच सेल इज 1.5 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। क्या बात है! हाँ, कल की बात है, कल का एक कंसेप्ट हमने दिया था, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में
किसी सेल से जब करंट ड्रॉ होती है, अगर वो करंट मैक्सिमम है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ने बताया था स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होनी। तो कह रहा है कितने सेल हमारे पास हों, हर सेल डेढ़ वोल्ट का है, डेढ़ एम्पियर की करंट प्रोड्यूस करनी है। कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट 1.5 एम्पियर थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम गिवन द ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 1.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। सुनो, हमारे पास कितने सेलों की ज़रूरत पड़ेगी जबकि हर सेल डेढ़ वोल्ट का है, हर सेल डेढ़ वोल्ट का है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कितना है? तो ऐसे कितने सेलों को हम कैसे लगाएं? टोटल नंबर ऑफ सेल नहीं पता है दोस्त, कैसे लगाएं कि एक बाहर जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने ओम का? 30 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें डेढ़ एम्पियर की करंट जाए। कितनी करंट जाए? देखिए यही इसकी संजीवनी और यही इसका जादू है, डेढ़ एम्पियर की करंट जाए। कितनी जाए? प्रश्न पढ़िए, कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट 1.5 एम्पियर थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस गिवन दैट द ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 1.5 इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1। कितने सेल ऐसे यूज करें? तो सुनो पहले जरा यहां ध्यान से समझना। देखो मुझे 30 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें डेढ़ एम्पियर की करंट जानी है, मतलब साफ है यहां पर 45 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अब डेढ़ वोल्ट के अगर मैं 30 सेल लाता, कितने? तो इफेक्टिव वोल्टेज 45 हो जाता। और एक और झमेला हो जाता, इफेक्टिव वोल्टेज 45 तो हो जाता लेकिन छुटुआ लोग ये सब खाते नहीं। अगर 30 ही सेल लाते आप तो 45 वोल्ट तो यहाँ से यहाँ तक हो जाता वोल्टेज, लेकिन इनके सबके छोटू जो एक एक ओम के हैं थोड़को थोड़का खाते सब, तो 45 नहीं बचता। मतलब एक बात पक्का है कि 30 सेल से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना। और दूसरी चीज़, यहाँ से ड्रॉ होने वाली करंट 0.75 एम्पियर होनी चाहिए। क्यों? यहाँ डेढ़ तभी आएगी जब इस ब्रांच से और इस ब्रांच से दोनों से 0.75 एम्पियर करंट आए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ कोई टेक्निक नहीं लगानी, सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगाना है, सिर्फ अपनी कंसेप्ट को अप्लाई करना है। मैंने 30 सेल लगा के देखे, कितने? तो वोल्टेज तो 45 हो गया, लेकिन सभी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस उस वोल्टेज को खाएगा कि नहीं खाएगा? 30 सेल होते तो 30 सेल का 30 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता, और इस बैटरी से इस ब्रांच से अगर 0.75 एम्पियर करंट ड्रा होती तो 30 को जरा 0.75 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आया। ये 3/4 है यार, 7.5 हो जाएगा, 7.5 × 3 यानी करीब करीब 22.5 वोल्ट तो भाई साहब यही खा डालते। चाहिए था 45 वोल्ट और 45 की व्यवस्था तो कर ली थी, लेकिन सब छोटू लोगों ने 22.5 खा ली, तो बर्बाद हो गए कि नहीं बर्बाद हो गए? इसका मतलब आधी खा ली है, तो इसका तो ऊपर 90 वोल्ट होता तो आधे का मामला बनता, तो इसका मतलब 60 सेल लगेंगे। कितने लगेंगे? हाँ, पता चल गया कि नहीं? अब देखिए इतने से ही पता चल गया कि मैं 30 सेल लगाता तो 45 वोल्ट मिल गया, लेकिन सभी के छोटू मिलके आधा वोल्टेज खा डालते, 45 में 22.5 खा डाले। तो अब इसका मतलब 45 वोल्ट पाने के लिए कितने सेल लगाऊं कि 45 बचा रह जाए? तो आप बोलेंगे ना 60 सेल लगा दें। कितने सेल? 60 सेल एक लाइन में लगा दें। तो 60 सेल जब मैंने एक लाइन में लगाए तो 90 वोल्ट हुआ जी सर। और 90 वोल्ट में से टोटल 90 ओम का रेजिस्टेंस भी हो जाएगा सर। नहीं हो जाएगा? 90 ओम को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बाकी बचा हुआ है 45 वोल्ट। 45 से तो आएगा, कैलकुलेट कर ले, 45 वोल्ट भाई साहब ये लोग खा जाएंगे और बचा 45 यहाँ एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा? तो हमसे प्रश्न पूछा था कि इस 30 ओम के रेजिस्टेंस में डेढ़ एम्पियर करंट में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें तो आपको पता है इतनी करंट यहाँ से, इतनी करंट यहाँ से, तो दोनों लाइन में 60-60 सेलों की सीरीज लगानी चाहिए, 60-60 सेलों की और उनका पैरेलल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल अगर हमसे कोई पूछता है इसमें कितने लग जाएंगे, तो हमारा जवाब होता है 120।
क्लियर हुआ? क्योंकि अगर मैं सिर्फ 30 सेल लगाता यानी 30-30-60 सेल तो एक बड़ी गड़बड़ आती कि मेरा वोल्टेज 45 नहीं होता। तो सवाल यहाँ से प्लान करना, ये लगाने वाला सवाल नहीं है। अगला सवाल आखिरी है यहाँ से 7 नंबर, ये बहुत ज़बरदस्त सा चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल भेजा उड़ा देते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो। लगा ही नहीं सकते आप, बता ही नहीं सकते किसी को जवाब। क्रैश सेट ऑफ फोर सेल, सवाल सुनिएगा, सेट ऑफ फोर सेल 7 नंबर ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल लोड ऑफ 10 ओम विद टू रो टू सेल ईच इन ब्रांच, कैलकुलेट द करेंट इन ईच ब्रांच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। सवाल समझ नहीं पाया ये सनी, उसने कहा है चार सेल हैं आपके पास और आपने चार सेलों की दो रो बनाई है, तो हर रो में दो दो सेल यूज होंगे? दो रो बनाई हैं आपने, प्रश्न में कह रहा है, मैं अपने मन से कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, और इस चारों सेलों के कॉम्बिनेशन से 10 ओम का रेजिस्टेंस अटैच किया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हर सेल का EMF 2 वोल्ट है, हर सेल का EMF, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 है, 1.5। आगे पढ़ो, कह रहा है 10 ओम विद टू रो ऑफ टू सेल, टू रो ऑफ इन ईच ब्रांच, कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच, इस ब्रांच से कितनी करंट निकलेगी बताना है, इस ब्रांच से कितनी करंट निकालने के बताना है, दो के दोनों सेम करंट होगी पक्का है, क्योंकि आइडेंटिकल रो होगी ना, दोनों रो से सेम करंट आएगी। दोनों कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो ये तो लग गया, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल चाहिए। तो एक काम करें, सर्किट की निकलने वाली नेट करंट फाइंड आउट कर लें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नहीं बताया था, तो सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज 2-2-4 हो जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो 4 हो गया, 1.5-1.5 की सीरीज 3 हो जाएगी, इस 3 के साथ इस 3 का पैरेलल 3/2 हो जाएगा, 3/2 के साथ 10 की सीरीज लगा दें। जो आपको मैंने ओरिजिनल डेरिवेशन दिया था मिक्स कॉम्बिनेशन का, वही तो लगा रहा हूँ। इन दोनों का इफेक्टिव वोल्टेज 2E हो गया, नहीं हो गया, और R और R ये 3 ओम हो गया, 3 के साथ इस 3 का पैरेलल 3/2 हो गया, उसके साथ 10 की सीरीज हो गई। तो इस सर्किट में टोटल कितनी करंट, ये टोटल करंट है जो 10 ओम में जा रही है I, ये I की वैल्यू अभी आने वाली है 4/11.5, ये I है। तो उस I के दो टुकड़े हुए होंगे, वन इज द I बाई टू, अनदर वन इज द I बाई, हाँ आधी आधी, तो जो ये करंट हमारी I है उसकी और आधी कर दें, उसकी और आधी कर दें, तो हर ब्रांच की करंट, पहली वाली ब्रांच की करंट जो I1 थी वो कैपिटल I बाई टू, और इस ब्रांच की करंट जो थी उसका नाम I2 दे दो, वो भी कितनी होगी I बाई, तो ये आपकी I बैठी है, इसकी आधी कर देना, इसकी तो उसका भी आधा करोगे तो 2/11.5, और ये भी हो जाएगा 2/11.5। उम्मीद करता हूँ आप दोनों करंट निकाल चुके होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, यही पूछा गया था और तो कुछ पूछा नहीं था। अच्छा यह पूछा था यहाँ कितना वोल्टेज होगा, यहाँ कितना लीजिए, वो भी निकालिए, वी बराबर आई आर, वी बराबर, तो सर्किट की इफेक्टिव करंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं इनटू 10, यहाँ का तो चाहिए वोल्टेज, तो 40 को इससे डिवाइड करके देख लीजिए, अंदाजे से आंसर भी बताइए, 4 बार जाएगा नहीं, 3 से कुछ ज़्यादा आएगा, चेक कर लो आंसर, 3 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 3.5 आ गया, भाग करके देख लो, एग्जैक्ट 11.5 है ना, ये एग्जैक्ट 3.5 आएगा, जाओ चेक करो, अरे घेरते ही 33 तो यही दिख रहा है, 12.5 और हो गया 34.5, और जो 34.5 के बाद बचा है आगे 6.5, उसको आधा करने से आ जाएगा, पहाड़ा तो चाहे जैसे पढ़ लो ना। चलो अगला टॉपिक इसी में थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के चुनिंदा न्यूमेरिकल एग्जाम एक्सरसाइज का 3, 5, 7, 3 और 5 था, अंश का 7 था, सनी का, सवाल पूरे हो गए, बाकी तो लोग बहुत विद्वान हैं, उनको सारे आते हैं, बाकी लोग बहुत विद्वान हैं, उन्हें सारे सवाल आते हैं। तो चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके मिशन तक चलता है, टॉपिक हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आज के इस वीडियो में टॉपिक मिल रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, केवल साइंस को समझने भर का मामला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर को हम कंज्यूम करेंगे यहाँ। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक नाम का टॉपिक है, हम आपको यहाँ एक लाइन की हेडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाना चाहते हैं आपको। बस 5 मिनट का ही टॉपिक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कंटेंट आपको थ्योरी के लिए नहीं जानना है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर का एक बहुत सुंदर सा फार्मूला क्लास 9th में पहली बार पढ़ा गया। जानते हैं पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। लेकिन आप कौन सा पावर लेने आए हो? तो इलेक्ट्रिकल पावर में जब वर्क की बात करोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क W बराबर वी क्यू होगा। W बराबर वी बराबर W अपान क्यू, तो W इज इक्वल टू वी क्यू, और Q अपान T हम ही ने पढ़ाया है इसी चैप्टर में आई। तो इलेक्ट्रिकल पावर इसीलिए क्या हो जाता है? वी आई। और अभी आपने ओम्स पढ़ा है तो V इज इक्वल टू आई आर, और आप अगर I को V बाई R कर दें तो V स्क्वायर बाई। हमें लगता है क्लास 10th में भी आप इससे परिचय लेते रहोगे। ये रहा इलेक्ट्रिकल पावर। अब आप इसी में आते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सारी दुनिया कहती है वर्क इज़ द फार्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज़ द फार्म ऑफ मतलब ये पावर इनटू टाइम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फार्मूले आए हैं, वी आई तो टी मल्टीप्लाई कर दो तो वी आई टी गया ना टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आई स्क्वायर आर टी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फार्मूला आई वी स्क्वायर बाई आर टी। तो इसी को बड़े बड़े वैज्ञानिक टाइप के लोगों और बड़े बड़े मास्टरों ने हीटिंग इफेक्ट नाम दे दिया। किस प्रकार की चुतियापन थी है ये, काहे का हीटिंग इफेक्ट भैया? दुनिया में जितनी एनर्जी होती है वो हीटर ही तो होती है। अगर आप ये एनर्जी हीटर को दे देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो हीट बनाएगा नहीं बनाएगा? प्रेस में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराओगे दोगे तो हीट जनरेट करेगा। वो हीट कैसे जनरेट करेगा? या तो वी स्क्वायर बाई आर टी से जनरेट करेगा, या तो आई स्क्वायर आर टी से जनरेट करेगा, या तो वी आई टी। सब एक ही फार्म में तो हैं ये। तो ज़रूरत के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमें वी आई और टी दिया हो तो वी आई टी लगा दें, आई आर ओ टी दिया हो तो आई स्क्वायर आर टी लगा दें। यानी जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एक नया सिगुफा है, एक नई कहानी बताने जा रहे हैं। 8 पेज में पता नहीं जान खाली है साले, कुछ बता भी नहीं पाए हैं। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आई है क्यों ला रहे हैं आप। यही है, ये रहा इलेक्ट्रिकल पावर और ये रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको बताए दे रहा हूँ पूरे चैप्टर में, हमें लगता है इस सेगमेंट में कम से कम 100 सवाल लगाने पड़ेंगे। बहुत भयानक है दोस्त। 99 नंबर से शुरू किया है एग्जाम्पल, और खींचते खींचते एग्जाम्पल ही ले गया है 135, 136 तक। यानी 37 एग्जाम्पल हैं और 34 क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं। यानी कमज़ोर मामला नहीं, अर्धशतक लग गया है और अच्छी पारी खेल के आउट होंगे। 37 + 34, 34 × 2 = 68, 371 प्रॉब्लम इस कंसेप्ट से बननी है जो मैंने सामने लिखी है। लेकिन आपको भी ये 37 प्रॉब्लम 71 प्रॉब्लम लगाते हुए फीलिंग आएगी कि यार अब हमको थोड़ा थोड़ा साइंस समझ में आने लगा है। ठीक है, कहो तो एक नज़ारा पेश करूं। अब मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा मैं जानता नहीं हूं, थ्योरी इससे ज़्यादा मैं जानता नहीं हूं। लेकिन ये 71 सवाल लगाते आपको बता दूंगा ये कितना ब्रॉड कंसेप्ट था, ये कितनी वर्सटाइल कंसेप्ट थी, जो तुमको केवल एनर्जी और पावर के बहाने ऐसे ऐसे सवालों से परिचय कराया जाएगा। तो छोटे मोटे सवाल जिसमें पी दिया रहेगा, टी दिया रहेगा, वर्क पूछेगा तो आप निकाल लेंगे। ऐसे कुछ नौटंकी दिया रहेगा तो ये आप निकाल लें, इनको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन एक सवाल से शुरुआत करता हूँ। मेरे जहन में ये सब झंडू बम वाले मेरे पास लाना नहीं, मैं बताने वाला नहीं हूँ। लेकिन सुनिएगा, बहुत सवाल मैं लगाने वाला भी हूँ आपके लिए और बहुत सवाल बताने वाला भी हूँ। एक शुरुआत करता हूँ, एक ऐसे जनरल, अभी तो लगाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामान्य शुरुआत करता हूँ। जरा अपनी अपनी किताब खोल के बैठे, अगर ये वीडियो आपने कंटिन्यूस रखी हो, सभी बच्चों से आग्रह कर रहा हूँ कि इस जगह पर वीडियो को थोड़ी देर के रोक लें और जा करके अपनी एसएल और उठा लाएं। एक बार उसे पढ़ लेंगे तब बात बनेगी। आप भी अपनी किताब ले लीजिए, क्योंकि आखिरी सवाल है आज की क्लास का।
आज इतना ही पढ़ाऊँगा, फिर आगे जब उसको लगा लगा लगे आगे तो फिर इस पर मैं मौसम बना के आऊँगा, एक और बताऊँगा। 122 मैं पढ़ता हूँ और उसका सलूशन भी देखिएगा एक बार। 122 नंबर सवाल को, 122 सीधा एग्जांपल 122 बता रहा हूँ फिलहाल, यहाँ से शुरू किया है यहाँ तक लगाया है, आप पढ़ेंगे कहीं 122 नंबर एग्जांपल गधे 3.70 पेज पर मिल गया। एन इलेक्ट्रिकल केटल हैज़ टू हीटिंग कॉयल, हैज़ टू हीटिंग कॉयल मिला। वन ऑफ कॉयल इज स्विच्ड ऑन द केटल बीइंग बॉयल 6 मिनट एंड व्हेन अनदर स्विच्ड ऑन बॉयल बीइंग 8 मिनट इन व्हाट टाइम विल द बॉयलिंग बिगिन, बोथ कॉयल आर स्विच्ड सिमल्टेनियसली इन सीरीज इन पैरेलल। आप सवाल को चाहे 10 बार पढ़ लो, आपको सवाल ही समझ में नहीं आना, लगाना तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझाता हूँ और बाकी इनको, ये IIT का पुराना सवाल है एक्चुअली, कहीं सोल्यूशन में घुस गए तो ईश्वर ही मालिक है। देखो एक पानी उबालने वाली केतली है, चाय बनाने वाली केतली है, इसमें 2 कॉयल लगी हैं, इसमें हीट करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए 2 कॉयल लगी हैं। तो आप इसमें कुछ पानी भर देते हो, इस केतली में कुछ पानी भर देते हो, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितने की है इसमें पानी भर देते हो, और आप जब इस वाली कॉयल को ऑन करते हो तो पानी 6 मिनट में गर्म हो जाता है, राइट। और जब आप इस वाली कॉयल को ना चालू करके इस वाली कॉयल को चालू करते हो तो पानी 8 मिनट में गर्म होता है, राइट। कह रहा है दोनों कॉयल को अगर सीरीज में लगा के हम चालू करें तो पानी कितनी देर में गर्म होगा, दोनों कॉयल को पैरल में लगा के चालू करें तो पानी कितनी देर में गर्म होगा। आप दुनिया की सारी किताब सर्च करिएगा, क्वेश्चन बहुत प्योरिटी के साथ रखा गया है, लेकिन कंसेप्ट हो तो क्या मजाल, इसको कितनी देर लगेगी, कंसेप्ट नहीं है तो पूरा दिन पूरी रात कई महीने कई साल इसे में बता दोगे, सवाल नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, इस केतली में पानी भरा हुआ है। तो कक्षा 11 में देखो क्या 11 की क्या अहमियत है। 11 में जब भी कभी पानी गर्म होता था तो पानी गर्म करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती थी, हीट एक प्रकार की एनर्जी है, वो एनर्जी आज बिजली से आनी है। तो आप इस केतली को घर में पावर सोर्स से लगाए होंगे तो उस पावर सोर्स का कुछ वोल्टेज होगा। हाँ एक बहुत बड़ा मंत्र, आप कैपेसिटर से लेकर सर्किट तक हमारे साथ लगाए तो एक मंत्र बहुत काम करता रहा। कैपेसिटर के जब शुरुआत के क्वेश्चन लगाए थे तो मैं एक थीम दिया था कि बैटरी जुड़ी रहे तो वोल्टेज कांस्टेंट, बैटरी हटा लें तो चार्ज कांस्टेंट। फिर जब आप सर्किट लगाने लगे तो मैंने कहा सीरीज में वोल्टेज डिवाइड, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड चार्ज सेम और पैरेलल में वोल्टेज सेम चार्ज डिवाइड। इसी तरह हमने जब अभी रेजिस्टेंस के सर्किट्स बनाए, अभी सीरीज पैरेलल निकाल चुके तो उसमें भी कंसेप्ट बताई, पैरेलल में वोल्टेज सेम करंट डिवाइड और सीरीज में करंट सेम वोल्टेज डिवाइड, ये थ्योरम्स है। ऐसे ही आज थीम समझ लो, अगर इन 71 सवालों को लगाना है, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी बदलता, पी बराबर तमाम तुमने पावर के फार्मूले पढ़े, V I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी बदलता नहीं है, ये बात पत्थर की लकीर है। इस बात को माइंडसेट करके बैठोगे तो ये 71 सवाल कब उड़ जाएंगे पता नहीं लगेंगे, और नहीं तुम्हें कब उड़ा देंगे ये भी पता नहीं लगेगा। पहली वाली कॉयल जो है इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, नाम देते हैं R1। अब भाई कम ज़्यादा टाइम का मतलब ही है, दोनों कॉयल का रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो जब आप इस कॉयल को चालू कर रहे थे तो कॉयल को पावर सोर्स में लगा के चालू करेंगे तो ये हीट जनरेट करेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट करती है तो होता है V स्क्वायर बाई R, तो R की जगह R1, T की जगह 6 मिनट, ठीक की जगह ये कॉयल चालू होती है तो 6 मिनट में पानी गर्म करती है, और पानी गर्म करने के लिए हीट चाहिए H, और अगर आप इस हीट को कहते हो तो ये MC डेल्टा T हो जाता, MC डेल्टा T। लेकिन हमको तो हीट चाहिए, हमको MC डेल्टा T से कहना है, हमारे पास 10 लीटर पानी था, 500 लीटर पानी था, बाढ़ में जाओ कितना पानी था, पानी को गर्म करने के लिए हीट चाहिए थी, वो V स्क्वायर बाई R T। अब जब मैंने दूसरी कॉयल को गर्म किया, पनिया उतने था तो हीट उतनी चाहिए थी, बताओ पानी उतना ही गर्म करना था तो उतना पानी गर्म करने के लिए उतनी ही हीट चाहिए। लेकिन क्योंकि वोल्टेज घर का सेम आ रहा है, कॉयल बदल गई है तो क्या बदला है, रेजिस्टेंस। कॉयल बदलेगी तो क्या बदलेगा, डिवाइस सेम रहेगा तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन डिवाइस बदल जाएगा तो
लेकिन क्योंकि यहाँ पर टाइम सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि अब की बार 8 मिनट लगे हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं आपसे कहता हूँ आर वन कितना हुआ, तो आप अभी हमें बताएंगे जरूर निकल जाएगा, निकल गए। अब दोनों को सीरीज में लगाने का मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू हो गया है। तो हीट तो दोस्त पनिया उतना ही गर्म करना है, तो हीट तो उतनी ही चाहिए, लेकिन वोल्टेज वही सेम है तो वी स्क्वायर ही हो गया। लेकिन अब दोनों कॉइल को सीरीज में लगाया है तो वी स्क्वायर बाई आर वन नहीं आएगा, आर टू नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू आएगा। क्योंकि अब नया मिशन शुरू हो गया, दोनों कॉइल को सीरीज में लगाया है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर वन प्लस, ये तुम्हारा आर वन है, ये तुम्हारा, तो वी स्क्वायर बाई एस तो कॉमन है दोस्त, 6 प्लस 8, बोलो ना जी सर। मुझे वक्त चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वी स्क्वायर कट गया, एच ऊपर जाके खुद को काट देता, 8, 6, 14, तो कितने मिनट लगते, अब वो मिनट थे तो मिनट लगते, सेकंड थे तो सेकंड आते, तो कंपेयर किया गया, इसलिए यूनिट का कोई चक्कर नहीं था। फर्स्ट पार्ट को आपने देखा कितनी आसानी से लगा दिया है, केवल किस लिए, क्योंकि आपको पता था साइंस लगानी कैसे है, उन्हें दिन भर उसी में उलझ जाओ, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं लोग। हाँ टाइम को क्या करेगा, कहाँ जाना है, अफसर ही करना है क्या। दूसरा, दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करें, तो भैया हिटिया तो उतने चाहिए क्योंकि पनिया उतना ही गर्म करना है और वोल्टेज हुआ वही है, लेकिन रेजिस्टेंस पैरेलिटी फॉलो करेगा, तो पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए आर वन इंटू आर टू पाना, क्या बात है, आर वन इंटू आर टू। तो जब आर वन इंटू आर टू करेंगे तो वी स्क्वायर बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यार, और 8 6 48 आर वन इंटू आर टू अपान, तो ऊपर चला जाएगा आर वन प्लस आर टू, तो आर वन प्लस आर टू जब करने जाएंगे तो वी स्क्वायर बाई एच, और प्लस करने में 8 6 14, नहीं समझे क्या, आर वन इंटू आर टू की तो डाटा ये हो गए, और ऊपर आर वन प्लस आर टू दोनों को जोड़ ले तो यही ना आए जाए, तो देखा भैया वी स्क्वायर बाई एच की एक पावर तो कट ही जाएगी, वी स्क्वायर इसको खा जाएगा, एच बाद में ऊपर जाके इनको खा लेगा। अब नया टाइम तो हमसे पूछा था ना, अरे एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर वन आर टू, तो नेट रेजिस्टेंस हो गया, तो नया टाइम जो हम आप कैलकुलेट करें तो उम्मीद करता हूँ 48/14 बताओ तो 24/7, यही इसका आंसर होना चाहिए, बस एग्जैक्टली दिस इज द आंसर, 3.43 मिनट, 3. क्या आप ऐसे सवालों के लिए इससे भी बेहतर सलूशन चाहते हैं क्या, दुनिया में नहीं मिलेगा कहीं, कंसेप्ट पक्की होनी चाहिए, बाकी तो अब सवाल लगाने से पता चलेगा ना ये क्या है, अभी तो बस केवल ऐसे तुमको मैंने हवा पानी बना दिया। चलो अच्छा एक आध सवाल से और हवा पानी बनाता हूँ, ये पीछे सब इसमें IIT वाले सवाल हैं ताबड़तोड़, ये जो इसकी एक्सरसाइज और एग्जांपल हैं इसमें भयानक सवाल हैं, सब क्वेश्चंस उठा उठा के दिए जाते हैं और बच्चों की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, ऐसा एक सवाल दिए पढ़े इनके पहले चक्कर आ गए, यार क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज टू हीटिंग कॉइल, एक को चालू करते हैं तो 6 मिनट में पानी गर्म करता है, दूसरी को चालू करते हैं 8 मिनट में गर्म होता है, दोनों को सीरीज में लगा के गर्म करें तो कितने मिनट, पैरेलल लगा गर्म करें तो कितने मिनट, क्या लगाएं, प्रश्न उठता है क्या लगाएं, क्या शुरू करें, क्योंकि वहाँ मोटिव नहीं होते हैं आपके पास शुरू करने की, काहे आप तो नशे में रहते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर को पता नहीं तोप समझ रखा है, एक ठो फार्मूला जो दसवीं में पढ़ा था वही याद दोबारा लिख दिया है, ये जो मैंने भी पावर एनर्जी का फार्मूला लिखा था क्या 10th में नहीं था, आज मैंने वही 10th का फार्मूला दोबारा लिख दिया है। एक और देख लो, कह रहा है ए हीटर कॉइल, क्या है हीटर कॉइल, आप इलेक्ट्रिक केटल रेटेड टू 2000 वाट 200 वोल्ट, देखो एक बिजली की केतली है, इसके अंदर एक कॉइल लगी है, इसके अंदर एक इस कॉइल का पावर बताया जा रहा है 2000 वाट, और 2000 वाट ये तब देता है जब आप इसे 200 वोल्ट लगाते हो, 200 वोल्ट देते हैं, 2000 वाट ये पावर तभी देगी केटली जब आप इसे 200 वोल्ट से कनेक्ट करोगे,
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रेजिंग द 1 लीटर, एक लीटर पानी 1000 ग्राम भी होता है, पानी अगर हो 1 लीटर हो तो 1000 ग्राम भी होता है, वो 1 लीटर पानी 1000 ग्राम होता है, आपको बताना चाहता हूँ। पानी का पानी की डेंसिटी होती है ना 1 × 10³, 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर के मीटर बना दो, मीटर को फिर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 ग्राम, 1 लीटर पानी 1 किलो होता है पानी के केस में, जबकि तेल या कोई और दूसरा लिक्विड होगा तो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पानी के केस में 1 लीटर पानी सदैव 1 kg होता है। हाँ, 1 kg के, 1 kg के मैंने ग्राम बना दिए। इस केतली में 1 लीटर पानी यानी 1 किलोग्राम पानी भरा हुआ है, पक्का है, और इस पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस लाया गया है। एज्यूमिंग 80% हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाई द कॉयल इज यूज, जो हीट पूरी प्रोड्यूस होती है उसका 80% हमारे काम आता है, बाकी वेस्ट हो जाता है, बाकी 80% हमारे काम आता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। वाटर की डेंसिटी और वाटर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है, तो बताओ कितना टाइम लगा है इस पानी को गर्म करने में। आप कभी ध्यान दिए जब आप गर्मी में वो जाड़े में नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं तो ही कॉयल लाते हैं आप इमर्जिंग रॉड, आप उसमें डाल देते हैं बाल्टी में और कुछ देर बस ऐसे चालू करके स्विच बंद कर देते हैं, गर्म हो जाता है क्या? नहीं सर, कुछ टाइम देना पड़ता है। कुछ टाइम देना पड़ता है, क्यों टाइम देते हो? 1500 वाट की कॉयल थी, आपने घुसाई, स्विच ऑन किया, निकाल लो, गर्म हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि पानी को गर्म करना है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार का पावर है, पावर इंटू टाइम ही तो एनर्जी बनेगा। तो आपकी ये कॉयल कितनी की है? 2000 वाट। तो 2000 वाट का जो पावर है अगर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करें तो एनर्जी ही तो बाद में हीट बनेगी, और वाट यानी पावर इंटू जब टाइम करेंगे तभी वो एनर्जी बन पाएगी, और एनर्जी ही तो हीट होती है। और पानी को अगर गर्म करना है तो क्लास 11th में पानी इसी फार्मे से गर्म हुआ है आज तक, MC डेल्टा इतनी तो वो पावर पैदा करेगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 80% हमारे यूज में आनी है, तो इतनी पैदा की जाएगी 80% हमारे यूज में आएगी, 80% हमारे यूज में आएगी। पानी मेरे पास 1000 ग्राम है, 1000, और वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी लिखा है ना वो, जी सर, स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम लिखिए ना, और 1 कैलोरी के जूल नहीं बदलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि बाई साइड में जूल में है, पावर वाट इंटू सेकेंड जूल नहीं होता है, और पता चला यहाँ कैलोरी झोंके पड़े हो, यहाँ जूल में आया है, तुम्हारा सत्यानाश वैसे बना है। तो हाँ, MCC की वैल्यू जूल में हो गई। और डेल्टा टी कहाँ से कहाँ, पूरे क्वेश्चन में बचा क्या है निकालने को? 210 सेकेंड आएगा। देख लो अभी, अगर बिलीव ना आता हो तो आधे पेज में इस क्वेश्चन को लगाया गया होगा, लेकिन साइंस तो ये कहती है कि मैं एक लाइन में पूरी हीट कितने वाट, 2000 वाट का जो हीटर है वो डाल दिया गया है, तो ये 2000 वाट पावर की यूनिट है, पावर इंटू टाइम करेंगे तभी ये जूल बनेगा, और जो एनर्जी बनेगी उसका कितना काम आएगी, 80%, और जो ये हीट एनर्जी है जो कॉयल से पैदा हो रही है वो क्या करेगी, पनियाँ गर्माएगी, और पानी कक्षा 11 में गर्म हुआ था थर्मोडायनेमिक्स में, केवल एक ही फार्मूले से पानी गर्म होता है, MC डेल्टा T। तो यम कितना, 1000 ग्राम, 1 लीटर 1000 ग्राम, पानी की स्पेसिफिक हीट लिखिए 1 कैलोरी पर ग्राम दिया गया है, और कैलोरी के जूल बदलने सबको आते हैं, जूल पर ग्राम हो गया ना, तो जूल पर ग्राम, और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन 20 से 100 कितना हो गया, स्वाहा करेंगे तो टी की वैल्यू 210 सेकेंड। अभी तो ये सब ट्रेलर था, जो अभी 2 सवाल बताए ना, इन 71 सवालों के ट्रेलर थे सिर्फ, पिक्चर तो वही बाकी है। सोचो ट्रेलर ऐसा था, पिक्चर कैसी होगी? आप जब लगाओगे ना ये 71 सवाल, तो देखो चैप्टर में थ्योरी तो कुछ था, इस सेगमेंट में कोई थ्योरी नहीं है। P = VI I² R V² / R,
एनर्जी के लिए vi² rt² इतने से हम पूरी थ्योरी को पूरे क्वेश्चंस को लगाएंगे, लेकिन हम लगाते जाएंगे, आप भी हमारे पीछे पीछे लगाइएगा। समय देने से पहले कुछ हल निकलता नहीं है। पहले वॉल्यूम में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, समय भी लेता है, काम भी बहुत होता है, मेहनत भी बहुत लगती है, लेकिन दूसरा वॉल्यूम इसके 1/10 मेहनत में कवर हो जाता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है वो मैं करना है। इसमें अगर आप 3 महीने दे दो तो भी कम है, उसे अगर 1 महीने दे दो तो भी ज़्यादा है, यही होता है। कभी कभी तो मैं वॉल्यूम 2 पहले पढ़ा देता हूँ, 1 महीने में आधा सिलेबस ख़त्म हो गया, हाँ हो गया, 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये क्या है, आप इसे 2 बार भी कर लो तो भी कम है, उसे 1 बार भी कर लो तो बहुत ज़्यादा होता है, अंतर होता है। सरल ना, और नंबर पूरे बराबर है, उसके भी 35 नंबर है, इसके भी 35 नंबर है। ये 35 नंबर के लिए 3 महीने पढ़ना पड़ता है, और वो वाला वॉल्यूम 35 नंबर के लिए सिर्फ 1 महीने पढ़ना पड़ता है। इसमें 3 महीने दिन रात एक करने पड़ते हैं, उसमें 3 महीने खेलते कूदते हो जाते हैं, बस अंतर इतना ही है। उन 1 महीने में आप एको कलम ना उठाइएगा, एको सवाल ना लगाइएगा, तो अभी 35 नंबर का तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसमें 3 महीने अगर तुमने किसी दिन कलम छोड़ी है तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, आने ना आने की मेरी कोई नहीं बनती है। क्यों, तुम लगाओगे तो आएगी, नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। अब इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया नहीं जा सकता था, मैंने कोशिश की है कि आपको दे दूँ। तो आज इतना शुरू किया, ट्रेलर था केवल, ये पिक्चर बाकी है।